हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास 10+1 अकाउंटेंसी। माय नेम इज मनीत फ्रॉम आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कायसरगढ़। हम प्लस वन अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर कर रहे थे, आज इसका पार्ट 5 करेंगे। हम कर रहे थे मॉडर्न रूल ऑफ जनरल एंट्री, जनरल एंट्री के मॉडर्न रूल। ठीक है, तो हमने क्या क्या था, ट्रेडिशनल रूल किए थे, अब आगे हमारे पास आ जाएगा मॉडर्न रूल। ठीक है, तो मॉडर्न रूल के अंदर टोटल हम जो ट्रांजेक्शन उसको वो 5 कैटेगरी डिवाइड करेंगे। तो एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आ जाएगा। पहले हमारे पास है एसेट्स। एसेट INC क्या होगा, इंक्रीज। अगर एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एसेट अगर इंक्रीज होती है, बढ़ती है तो उसको करेंगे डेबिट, कम होती है, डिक्रीज होती है उसको करेंगे क्रेडिट। जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया, ठीक है, तो फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब फर्नीचर हमारी क्या एसेट है, बढ़ रही है, इसको डेबिट कर दिया, और कैश भी क्या हमारी एसेट है और ये कम हो रही है तो उसको कर दिया हमने क्रेडिट। ठीक है, समझाया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट करने, डिक्रीज होती है तो डेबिट करने, इसका रिवर्स आ जाएगा। यहाँ पर इंक्रीज में क्या था, डेबिट था, यहाँ पर इंक्रीज में क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, तो हमने जैसे लोन लिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, बैंक लोन। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बैंक लोन बढ़ रहा है हमारा, तो हमने क्या कर दिया, बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया। समझाइए, फिर है कैपिटल। कैपिटल लाइबिलिटी की तरह होती है, क्योंकि हमने जो हमारी खुद की है लेकिन हमने बिजनेस में लगाई, तो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो अगर इंक्रीज होती क्रेडिट, डिक्रीज होते डेबिट, सेम टू सेम इसका रूल चलेगा। ठीक है, जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल क्या बढ़ रही है तो क्या होगा, क्रेडिट। इंक्रीजिंग क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो टू कैपिटल। कैपिटल क्या हमारी बढ़ रही है तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो हमारे खर्चे हैं जो हमें बाहर पे करने हैं। ठीक है, तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है डेबिट करना है, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है। ठीक है, एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज होता है क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने रेंट पे किया, तो रेंट हमारे लिए खर्चा है, हमने पे किया तो क्या हो गया, इंक्रीज में डेबिट करें, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। समझाइए, ठीक है, एक्सपेंसेस अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, रेंट हमने पे किया, रेंट क्या हो रहा है हमारा खर्चा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेवेन्यू आए, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर हमारी आय बढ़ रही है तो क्रेडिट, घट रही है तो डेबिट। ठीक है, जैसे हमने रेंट रिसीव किया, इसका उल्टा ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें रेंट हमने पे किया था, इसमें रेंट हम रिसीव करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारी जो इनकम है बढ़ रही है, क्योंकि रेंट हमें मिल रहा है, तो रेंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो समझाया, ये थे हमारे मॉडर्न रूल ऑफ जनरल एंट्री। ठीक है, ट्रेडिशनल या मॉडर्न रूल किसी भी तरीके से हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।